सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरपंच और उप जिलाधिकारी ने मिलकर किया मास्क और साबुन का वितरण। आज सुंदरगढ़ जिले के बनई ब्लॉक में तलिता गांव में शिव मंदिर के समीप सेना वृत्ति चीफ इंजीनियर की धर्म पत्नी व सामाजिक कार्यकर्ता संगीता प्रधान की अगुवाई में गांव वालों को अपने हाथों से मास्क बनाया और वितरित किया। इस उपलक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में उप जिलाधिकारी प्रदीप डांग, स्थानीय सरपंच सुरभि, किसान सामाजिक कार्यकर्ता मुकुंदलाल चौहान, ग्राम के गणमान्य व्यक्ति नारा चंद्र साहू, रामचंद्र साहू, गुरुचरण प्रधान, पवित्रा मोहन दास, प्रहलाद प्रधान और गांव के युवा विजय केतन साहू, अश्विनी कुमार साहू उपस्थित थे। उन्होंने आम लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इस महान कार्य को हल करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने व साबुन से अच्छे से हाथ धोने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। अंत में उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को मास्क और साबुन और सामाजिक दूरी बनाने के लिए सलाह दी। कोयडा से नागेश चंद्र पाड़ी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। सचेतन अच्छु स्वास्थ्य विभाग आम प्रशासनिक अधिकारी माने एवं पुलिस प्रशासन आम समस्ते जत्नवान अच्छु आम कमी रोग को अधिक सचेतन करूँ एवं यही रोग ये महामारी जमी आगे न व्यापे आज आप गाँव जो छोट आप आयोजन कर सरकारी नीति का उल्लंघन। कोयडा सरकार और पीडीसी शिक्षकों को कोरोना योद्धाओं के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये शिक्षक कहां कार्यरत हैं। हालांकि सुंदरगढ़ जिले के कोयडा पंचायत में ओएमएम चौक में रहे संगरोध केंद्र में सरकारी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जहाँ रोस्टर के परिणाम स्वरूप 11 शिक्षकों को जबरन संगरोध केंद्र में तैनात किया गया है, जबकि शिक्षकों और शिक्षिकाओं को ब्लॉक और पंचायत द्वारा मास्क या सैनिटाइजर प्रदान नहीं किया गया है। कैसे या क्यों इतने सारे शिक्षकों को संगरोध केंद्र में तैनात किया गया है? यदि शिक्षक और शिक्षिकाएं संगरोध केंद्र में कार्यरत हैं, तो उन्हें मास्क और सैनिटाइजर क्यों नहीं दिए गए? यदि किसी शिक्षक या शिक्षिकाओं का कोई भी नुकसान हुआ तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? कोयडा BDO से संपर्क करने पर भी संपर्क न हो पाया। इस विषय में ऊंची कार्रवाई कर सभी घटनाओं की जाँच होनी चाहिए। कोयडा से नागेश चंद्र पाड़ी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस।